हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार। आज का सेशन में हम लोग जेएसएससी टेस्ट का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो दिनांक 9/7/2023 को हुआ था। उस क्वेश्चन में मैथ सेक्शन का आज मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपका था, तीन अंकों की सबसे बड़ी और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है यदि उनका एचसीएफ 23 है। सबसे पहले ये आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि हम लोग को ये पता होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के एलसीएम को और उसके सम को और उसके डिफरेंस को कंप्लीट डिवाइड करता है। क्या सीखे हम लोग? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को एलसीएम को उसके सम को और उसके डिफरेंस को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो उस थ्योरी के अनुसार ये हम ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ये बोला गया कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग निकालना, सबसे छोटी संख्या का योग निकालना। यानी कि ये दोनों नंबर जो आपसे पूछा रहा उसका सम पूछा जा रहा है और ये दोनों का एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दिया हुआ? 23। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 23 से जो सम आपका 23 से डिवाइड होगा, यानी जो ऑप्शन आपका 23 से डिवाइड होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन से यदि हम करते हैं तो आपके पास एक ही ऐसा ऑप्शन आपका दिख रहा है 2001, जो 23 से क्या डिविजिबल है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। लेकिन कभी कभी मोर देन वन ऑप्शन, यानी कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल सकता है जो 23 से डिविजिबल है, उस समय आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए आप प्रोसेस जान लिए। तो देखिए, इसको बाय प्रोसेस हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग को ये पता है क्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब जब दोनों का एचसीएफ 23 दिया हुआ, मतलब ये हुआ कि ए भी नंबर जो है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 23 से डिविजिबल होना चाहिए और ए भी क्या 23 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे, यदि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 999 तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसका एचसीएफ 23 है, और यदि नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें क्या करना है, माइनस कर देना। 23 × 4 = 92, यानी बच जाएगा आपके पास 7 = 9, 23 × 3 हो जाएगा आपका 69, यानी 69 आपके पास रिमाइंडर बच गया कितना, 10। तो ये हम कह सकते हैं क्या, तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा, 999 - 10, यानी 989। अब यदि इसमें हम 23 जोड़ दें तो 989 के बाद तुरंत 23 से डिवाइड होने वाली संख्या हमको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 = 12 का 2, बैलेंस 1, 8 × 2 = 10 = 11 का 1, बैलेंस 1, 9 और 1 = 10, यानी 1012। तो मेरा यहाँ दोनों कंडीशन, दोनों नंबर मिल गया, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 989 जो 23 से डिविजिबल है और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1012 जो 23 से डिविजिबल है। अब ये दोनों का सम पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे तो आएगा 2001 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। 18 संख्याओं का औसत, संख्या कितना आपके पास, 18 है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 37.5 है। यदि 6 संख्याओं का औसत x है, जो 6 नंबर है उसका बता रहा है एवरेज x है, उसको उसमें मिला दिया जाए तो आपके पास टोटल जो नंबर होगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 24 होगा। तो टोटल पूरे 24 नंबर्स का जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज होगा, वो क्या होगा, उसमें एक क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा।
वही बोला रहा 18 संख्याओं का औसत 37.5, यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी का औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, यानी होती है। x का मान क्या है वो हम लोग को निकालना है। हम लोग को एक चीज पता होता है क्या, हम लोग को एक चीज ये पता होता है कि एवरेज, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू होता है सम, यानी कि एवरेज को यदि हम नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 18 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 से, ये टोटल 18 नंबर का क्या निकल गया, सम। इसमें हमको जोड़ना है, जोड़ना है मतलब प्लस, कितना जोड़ना है, 6 नंबर को जोड़ना है जिसका एवरेज कितना दिया हुआ एक्स। इस प्रकार जो मेरे पास टोटल नंबर आएगा 18 प्लस 6 24, इसका एवरेज में एक की बढ़ोतरी हो जा रहा है, एक की बढ़ोतरी यानी एज होल एक बढ़ रहा है, मतलब मेरा हो गया न्यू एवरेज जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38.5। तो यहां पे लिख देंगे 38.5। अब यदि इसको हम सॉल्व करें, 6 का टेबल से यदि हम लोग बात करें, इसको काटें, 6 का टेबल से यदि इसको हम काट दें तो 6 का टेबल से एक कट जाएगा आपका 1 टाइम में, एक कटेगा आपका 3 टाइम्स में और एक कटेगा आपका 4 टाइम्स में। अब यहां से आप क्या करेंगे, ये सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, जो आएगा वो आपका क्या होगा आंसर, आंसर इसका आएगा 41.5 आएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला रहा, दो बंदरगाह ए और बी 300 किलोमीटर दूर है, दो बंदरगाह ए और बी के बीच का जो डिफरेंस बता रहा है वो बता रहा है 300 किलोमीटर। दो बंदरगाह के बीच का दूरी 300 किलोमीटर है, दो जलयान ए से बी के लिए इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि दूसरा जलयान पहले से 8 घंटे बाद चलना शुरू करता है, वे दोनों जलयान एक ही समय पर बी पर पहुंच जाते हैं, यदि इनमें से एक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमे है तो यात्रा में धीमे जलयान की कुल कितना समय लगा, धीमे जलयान को कुल कितना समय लगा वो हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो बंदरगाह है, ए और बी दिया हुआ, दोनों का बीच का जो दूरी दे रखा है वो दिया हुआ 300 किलोमीटर दिया हुआ। अब इसमें से ये भी बता रहा है कि इसमें दो जलयान ए से बी की ओर चलता है, तो एक फर्स्ट और सेकेंड में खुलने का टाइमिंग में डिफरेंस दिया हुआ 8 घंटे का, एक जब चलता है उसके चलने के 8 घंटे बाद दूसरा चलता है। यहां से हम क्या समझ लिए कि दोनों का खुलने का टाइमिंग, यानी दोनों का खुलने का टाइमिंग या दोनों जब खुलने का टाइमिंग में 8 घंटे का डिफरेंस है और दोनों सेम टाइम पे पहुंचता है तो उस 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया टाइमिंग में भी डिफरेंस कितने घंटे का होगा, 8 घंटे का। तो आपसे फिर पूछ दिया जा रहा है, तो बताइए उस 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में धीमे जलयान को कितना समय लगेगा वो निकालना। धीमे जलयान का पहले हमको चाल निकालना पड़ेगा, फिर दूरी है, फिर समय निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज दे रखा है कि दोनों जलयान का जो स्पीड है उसमें डिफरेंस कितने किलोमीटर का प्रति घंटा का दिया हुआ, 10 का। तो यहां पे आप क्या करो कि ये 10 किलोमीटर पर आवर का क्या है, किलोमीटर पर आवर का अंतर दिया हुआ, दो ऐसा वैल्यू सोचो 10 का डिफरेंस रख करके, जैसे एक हम 15 सोच लेते हैं और एक क्या सोच लेते हैं 25, दोनों में डिफरेंस कितने का, 10 का, 15 किलोमीटर पर आवर और ये 25 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे देखो, ताकि अब क्या करना है कि ये 15 और 25 हम सोचें दोनों का टाइमिंग में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 8 घंटे का। डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है कितना, 300 किलोमीटर, देखते हैं। और यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ 300 किलोमीटर, इसको यदि हम 15 से डिवाइड करें और इसको भी यदि हम 25 से डिवाइड करें, ए और ए यदि हम काट दें तो यहां पे मेरा मिलेगा 20 घंटे मिले जाएंगे और यहां पे मेरा मिल जाएगा कितना, 12 घंटा। मतलब ये हो गया क्या कि ये धीमी जलयान यदि मेरा 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसको 20 घंटे लगते हैं और
ए आपका 25 किलो मैंने तेज जलयांश दूरी को तय करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का 8 घंटे का। ए मेरा सारा कंडीशन फुलफिल कर गया, मतलब आंसर मेरा होगा कितना 20 घंटा। तो धीमे जलयान यदि ये 300 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो इसको टोटल कितने घंटे का समय लगता है 20 घंटे का। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धनराशि, धनराशि कितना वो पता नहीं है, लेकिन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुना। यहां पे देखिए क्या रखा है, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। रेट वही है लेकिन बोला रहा कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो ये बोला जा रहा है क्या कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी, यानी कि 1 रुपया 8 रुपया होने में इसको 3 वर्ष का समय लगता है, 1 रुपया 8 रुपया होने में इसको 3 वर्ष का समय लगता है, 3 सालों में 1 रुपया आपका 8 रुपया होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा पैसा 1 साल में कितना हो जाएगा। तो 1 साल में निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्यूब रूट के अंदर 1 लिखो और क्यूब रूट के अंदर 8 लिखो, ये मेरा निकल गया 1 साल में, यानी आपका पैसा 1 रुपया 2 रुपया हो रहा है 1 साल में, फिर अगले साल में 1 रुपया 2 रुपया होने में फिर 1 साल लगेगा। आपसे कितना साल पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में 16 गुना होगा, तो 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया जो आप, 1 रुपया 2 रुपया होने में, चलिए थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है, फिर से देख लीजिए, चलो इसको इरेज कर देता हूं, इधर देखिए थोड़ा इधर जगह कम पड़ जा रहा है। बोला जा रहा है कि मेरा पैसा 1 रुपया 8 रुपया, 1 रुपया 8 रुपया होने में जो लग रहा है वो कितना वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष, 3 वर्ष में मेरा पैसा 1 रुपया 8 रुपया हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, क्यूब रूट के अंदर 1 लिखो और क्यूब रूट के अंदर 8 लिखो, यानी मेरा पैसा 1 रुपया 2 रुपया होने में कितना लग रहा है, 1 साल लग रहा है, और फिर मेरा पैसा 1 रुपया 2 रुपया होने में फिर कितना लगेगा, 1 साल लगेगा, फिर 1 रुपया 2 रुपया होने में कितना लगेगा, 1 साल लगेगा, फिर 1 रुपया 2 रुपया होने में कितना लगेगा, 1 साल। अब मेरा पैसा देखो 1 रुपया 2 गुने 2 4 गुने 2 8 2 गुने 16, यानी 1 रुपया 16 रुपया होने में कितना लग गया, 1 2 3 4 4 साल लग गया। तो यहां पे मेरा आंसर होगा वो 4 होगा कि मेरा 1 रुपया 16 रुपया होने में टोटल कितना समय लग गया, 4 वर्ष लग गया। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात कर लेना है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे एक फिगर आपका दिया हुआ है जिसमें ए और बी का मान निकालना है, तो यहां पे ए और बी का, यहां पे हम देख पा रहे हैं ए है और यहां पे आपका बी है, ये दोनों निकालना है। तो देखिए यहां पे यदि हम लोग बात करें तो यहां पे ये एल लाइन जो आपको दिख रहा है वो एल लाइन है और ए एम लाइन है, ये दोनों यहां पे पैरेलल लाइंस है।
इसके लिए यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए ए जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग ये पढ़ चुके कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहां से हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये था कि क्रोस्पोंडेंस एंगल बराबर होता है, यानी संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर होता है तो 110 के जगह में कौन दिख रहा है, सी, यानी यहां भी क्या होगा 110 होगा। अब आपको ये पता है कि लाइन पे बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम ए का बात करें, कंप्लीट 180 होता है, ए के जगह कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 110 यानी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो एक क्वेश्चन यानी एक आंसर हम मेरा निकल गया ए बराबर 70 डिग्री। अब देखें यदि हम लोग ऑप्शन में भी चल जाएं तो इसमें भी आपका ए 70 नहीं, ए कट जाएगा, ए भी आपका कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, आंसर तो आपका सिर्फ क्या दिख रहा है, आपका सी दिख रहा है। अब देखिए बी हम लोग निकाल ही लेते हैं, जब निकाल रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे एक देखिए छोटा सा ट्रेंगल दिख रहा होगा, ऐसे गया हुआ, ऐसे गया हुआ और ऐसे गया हुआ, जिसमें यदि हम बात करें यहाँ पे मेरा ए है जो निकल गया मेरा कितना 70 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास क्या है 40 है। अब यहाँ पे ये मेरा निकल जाएगा, या नहीं तो ए आपका एक ट्रेंगल का ए साइड क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो हम लोग ए भी पढ़ चुके हैं क्या, किसी भी ट्रेंगल का यदि एक साइड हम लोग बढ़ाते हैं तो जो एक्सटेरियल एंगल बढ़ता है उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। तो ये 40 प्लस कितना हो जाएगा 70, यानी कितना होगा 110 डिग्री। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये देखिए छोटा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, आप ये कर लेंगे, ये सब बेसिक होता है, आप कर लोगे। 6 नंबर में यदि हम लोग बात करें, छह नंबर में दिया हुआ है ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है तो ए और बी की व्यय का अनुपात निकालना। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि ए और बी, ऐसे समझिए कि ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी दिख रहा आपको, और ये दोनों का मंथली इनकम भी दे रखा है कितना 3:5 है, और उनकी बचत, उनकी बचत का अनुपात भी दिया हुआ है 2:3 है। यदि बी, ए लाइन आपका इंपोर्टेंट है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है तो आपसे पूछा रहा ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है वो निकालना। तो देखते हैं यहां पे यदि हम लोग बात करें तो यहां पे क्या दिया हुआ आपका, यहां पे ए और बी दो आदमी, ए और बी दो आदमी का इनकम आय के बारे में जिक्र किया हुआ कि आय जो इसका दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में। ये देखिए मिनिमम है, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करोगे 3x और ये लोगे कितना 5x। इसका फिर आगे बचत का अनुपात दिया हुआ है इसका सेविंग, इसका बचत का अनुपात दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ए भी मिनिमम है, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसका 2y और यहां पे क्या करोगे आप 3y, दोनों जगह सेम वेरिएबल आपको नहीं लेना है। अब आगे बोला जा रहा है क्या, कंडीशन जो दिया हुआ है कि यदि बी की आय यदि बात करें तो बी की आय देखिए, बी की आय आपको क्या दिख रहा है, बी की आय 5x, बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, ए की बचत कितना है 2y, तो बी की आय 5x जो है वो बता रहा है कि बी की आय ए की बचत का 3 गुने के बराबर है। यहां से क्या आप x बटे y निकालेंगे तो 6/ कितना हो जाएगा आपका 5, यानी x का वैल्यू आपका 6 होगा तो y का वैल्यू कितना जाएगा आपका 5 आएगा। अब आपसे क्या पूछा रहा है,
ए और बी के व्यय का अनुपात। तो ए और बी का यदि हम व्यय का बात करें, ए और बी का व्यय, व्यय कब होता है? जैसे ये कमा रहा है 3x और खर्च कर रहा है कितना 2y, तो बचेगा कितना? इसका जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर खर्च होगा। तो 3x माइनस 2y रेशियो, बी कमा रहा है कितना 5x, माइनस हो जाएगा आपका 3y। तो जहां x है वहां पे आप क्या रखोगे 6, और जहां y है वहां क्या रखोगे 5। यहां भी आप 6 रखोगे और यहां भी रखोगे आप 5। 6 × 3 = 18, 18 में से 10 जाएगा, बच जाएगा आपका कितना 8। 6 × 5 = 30, 30 में से 15 जाएगा, बच जाएगा आपका 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8:15, यानी ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। श्रृंखला का मान ज्ञात करना, एक श्रृंखला दिया हुआ आपका 100 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका टोटल सम निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला ये पता होता है, क्या हम लोग को ये पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो मेरे पास जो क्वेश्चन जो है वो देखिए, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, इसी फॉर्मेट पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार क्या होगा आपका 100 माइनस 99 और एक बार क्या होगा 100 प्लस 99। यदि हम यहाँ पे बात करें तो 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99 जब माइनस करेंगे तो एक बचेगा, एक आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भागा में और गुना में एक आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस में पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम एक को इग्नोर करते चलेंगे, सीधा क्या करेंगे इसका जो है सिर्फ ए प्लस बी लिखना है, ए माइनस बी नहीं लिखेंगे। 100 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 100 प्लस 99, फिर यहाँ पे प्लस देंगे 98 प्लस हो जाएगा आपका 97, फिर प्लस हो जाएगा 96 प्लस 95, फिर हो जाएगा आपका 96 प्लस 95 होगा, और प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए एक से शुरुआत है और गया कहां तक है 100 तक, तो यहां पे हम समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जोड़ने के लिए। तुम लोग को यहां पता है n बराबर कितना आएगा 100। सम निकालने का फॉर्मूला जो होगा आपका n इंटू एन प्लस 1 बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे n के जगह जो हम रखेंगे 100, 100 प्लस 1 101 बटे हो जाएगा 2। अब इसको काट दोगे कितना 50 टाइम्स में, अब 5050 यानी 50 50, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, यानी कि हम एक कह सकते हैं इसका आंसर आप क्या होगा ए होगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है। 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि एक दुकानदार 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक दुकानदार जो है वो बेच रहा है कितना, एक दुकानदार जो है वो 10 वस्तु बेच रहा है, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी हम लोग ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं कि हम लोग एक दुकानदार हैं, या तो हम एक दुकानदार हैं, इसमें 10 वस्तु हम बेच रहे हैं और हमको फायदा हो रहा है 2 वस्तु, मतलब 10 बेच चुके हैं 2 मेरे पास बचा हुआ है, तो मेरे पास टोटल कितना वस्तु था 12 वस्तु, और 12 वस्तु खरीदने में जो पैसा लगा वो हमको 10 वस्तु बेचने से ही पैसा मिल जो आया उसके बराबर हो गया। मतलब
हम ये कह सकते हैं कि 12 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के क्या होगा, बराबर होगा, 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ बात करें तो 12 वस्तु का जो आपका गया 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो 10 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब इसको काट भी सकते हो, दो से यदि आप काट दोगे, यदि दो से आप काटोगे तो यहाँ पे यदि काटोगे दो से तो ए आपका कट जाएगा, कहाँ काटते रहे पगला हो गया, छोड़ो ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, इसको यदि हम लोग काट देते हैं, इसको काट देंगे, दो से काट दो कितना 5 बार में, दो से काटेंगे कितना 6 बार में, यानी कि जो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा आपका 6, यानी कि सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 5 बटे 6। हम खरीद रहे हैं 6 में, गलती कर दी क्या, एक दुकानदार 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो निकालना। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो दिया हुआ एक दुकानदार 10 वस्तु, ऐसे समझिए कि हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 10, 10 वस्तु बेच रहे हैं, प्रॉफिट मेरा कितना का है 2 का, तो कॉस्ट प्राइस जो मेरा होगा वो कितने का होगा 8 का। अब यहाँ पे बोला रहा तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 8 में, गुने क्या करेंगे 100, कट जाएगा आपका कितना 4 बार में, 4 से कट जाएगा आपका 25 बार में, यानी ये कितना आएगा 25%, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 25%। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला जा रहा है आपका ए बी सी तीन मजदूरों की मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है 10, 12, 15 है। यदि ए का वेतन 5, 6 के अनुपात में बढ़ता है और बी का वेतन 3, 4 के अनुपात में बढ़ता है और सी का वेतन 3, 5 के अनुपात में बढ़ता है, ए बी सी की मजदूरी का अनुपात क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका तीन आदमी दिया हुआ है, तीन आदमी आपका बता रहा है, तीन आदमी ए बी और सी है, इसका तीनों का मजदूरी दिया हुआ है 10 रेशियो, मजदूरी इसका दिया हुआ है 10 रेशियो 12 रेशियो 15। बोला रहा यदि ए का वेतन 5, 6 में बढ़ रहा है, ए का वेतन 5, 6 में बढ़ रहा है और बी का वेतन बोला जा रहा है 3, 4 में बढ़ रहा है और सी का वेतन बोला जा रहा है, सी का वेतन 3, 5 में बढ़ रहा है, तो ये तीनों का नया मजदूरी का अनुपात क्या वो निकालना। देखिए 5, 6 के अनुपात में बढ़ रहा, मतलब ये हुआ कि ए का वेतन पहले 5 था तो अभी कितना 6 है, मतलब पहले ए 10, टोटल 10 है, अब पहले 5 था, निकालना क्या है, पहले 5 था अभी कितना, अभी 6 है, पहले कितना था 5, 12 गुने अभी कितना है 4, पहले कितना था 3, रेशियो 15 गुने इसी तरह अभी कितना निकालना है 5, पहले कितना था 3 था। अब इसको सिर्फ क्या करना है, काट देना है, काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है, एक कार की गति एक बस की गति से 25% अधिक है। बोला जा रहा एक कार की गति जो है एक बस की गति से 25% अधिक है। एक कार की गति जो दिया हुआ एक बस की गति से 25% अधिक है। एक ट्रेन 6 घंटे में 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार दिया हुआ 2.3/4, 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की गति ट्रेन की गति से क्या आधी है, यानी बस की गति जो दिया हुआ ट्रेन की गति से आधी है। यहाँ पे तीन व्हीकल का बात कर रहा है एक कार, तीन व्हीकल का बात कर रहा है एक कार है,
फिर एक बस बोला जा रहा और एक बोला जा रहा है क्या ट्रेन। एक कंडीशन देख रहा दे रखा है क्या कि कार की गति जो है वो बस की गति से 25% ज्यादा है, मतलब यदि ये 100 रहा होगा तो 125 यानी काट दोगे तो ये 5 और ये कितना होगा 4 होगा, यानी यदि बस का स्पीड 4 है तो कार का स्पीड कितना होगा 5 होगा। ट्रेन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन जो है वो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6 घंटे का समय लेती है और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 840 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो क्या इस ट्रेन का हम स्पीड यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, स्पीड जो होगा वो 840 बटे कितना हो जाएगा आपका 6 यानी ये कट जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन के अनुसार जो है वो बस की गति जो होगा वो बस की गति जो होगा एक कार की ट्रेन की गति का क्या आधा है, आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो ये कितना आ जाएगा 70, तो 70 ये देखो कितना बार में कटेगा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस यदि हम लोग बस का यदि स्पीड का बात करें तो बस का स्पीड हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 4, ए आपका कटेगा तो काट दो, इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 का वैल्यू 70 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 70 नहीं कितना गुना होगा 4, 70 को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा आपका कितना 35 बार में, यानी 17 पॉइंट कितना 5 गुना। तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड निकालना है किसका, तो हम लोग को निकालना है कार की पहले स्पीड निकालना होगा, कार का स्पीड है और कार 2.3/4 यानी 2.3/4 का मतलब ये हो गया कि ये 2.3/4 यानी 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार का हम स्पीड निकाल लेते हैं तो कार का स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो स्पीड हम लोग बात करें तो स्पीड हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका स्पीड में हो जाएगा ए 35/2 यहाँ गुना करेंगे यानी 17 ऐसे कर दो ना सीधा कि 70 कितना हो जाएगा आपका 4, 70 हो जाएगा आपका 4 यानी कि एक काट दिए हम लोग कितना आ गया 35 कितना आ गया 2 और गुने क्या करेंगे हम लोग 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 × 5 175 कितना हो जाएगा 2। अब इसका यदि हम लोग स्पीड निकाल देंगे यानी दूरी निकालेंगे दूरी बराबर हो जाएगा कार की चाल कितना 175/2 हो जाएगा और गुने कितना होगा 11 कितना होगा 4। अब आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही होगा, जैसे यदि इसको हम लोग गुना करें तो 11 × 5 = 55 बैलेंस हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77 + 5 = 82 का 2 बैलेंस हो जाएगा 8, 11 × 8 कितना होगा 1925 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 × 2 = 16 कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा 2 आएगा, फिर हो जाएगा आपका 8 चक कितना हो जाएगा 32 ये दिख रहा है 32 आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 यानी हो जाएगा आपका 8 चक 32 आपका कट जाएगा, तो 8 चक 32 आपका एक कट जाएगा बच जाएगा कितना 5, 5 बच जाएगा तो एक जीरो उतारना पड़ेगा यानी देख लो 6240.625 किलोमीटर ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोला रहा 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी व्यक्ति टोटल कितना, टोटल व्यक्ति यदि बात करें तो टोटल व्यक्ति जो आपका है वो कितना है 5 है और ये कितना दिनों में प्रत्येक बोला रहा प्रत्येक व्यक्ति जो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, काम जो है वो एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, अगले दिन एक और व्यक्ति हर एक दिन में एक व्यक्ति जुड़ जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, पांचवें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 आदमी ऐसे समझो ए बी सी डी और ई है, ये सब का दिया हुआ है कैपेसिटी 20
दिन में पूरा करेगा, ए भी 20 दिन में, ए भी 20 दिन में, ए भी 20 दिन में और ए भी 20 दिन में। तो सबका हम एलसीएम भी लेंगे तो कितना आएगा 20, यानी टोटल यदि हम लोग बात करें ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल काम कितना करेगा 20। इफिशियंसी कितना हो जाएगा सबका, ये एक हो जाएगा, इसका भी 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 एक हो जाएगा, यानी ए एक दिन में एक काम, बी भी एक दिन में एक काम, सी भी एक दिन में एक काम और डी भी एक दिन में एक काम, ई भी एक दिन में एक काम करेगा। बोला जा रहा है कि शुरुआत एक व्यक्ति किया, तो ए ने यदि शुरुआत किया होगा तो पहला दिन में वो एक दिन में कितना काम किया, एक काम, प्लस एक और आदमी आ गया, आदमी संख्या दो हुआ, दो दो आदमी है, ठीक है, और एक दिन में कितना किया, तो एक काम किया। फिर यदि हम लोग बात करेंगे तो तीन आदमी जो है वो एक दिन काम किया, तो तीन आदमी एक दिन में कितना करेगा, तीन काम करेगा। फिर एक आदमी और आ जाएगा, चार आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो चार काम करेगा। अब जो बच गया पांचवा जो जो आदमी जो है वो पांचवा दिन जो है वो पांच आदमी करेगा और कंटिन्यू जो है वो तब तक करता रहेगा जब तक काम खत्म नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये पांच आदमी जो है वो एक्स दिन काम किया, इन सभी ने मिलके कितना काम किया होगा, 20 काम किया होगा। अब देखो जोड़ दो, एक और दो तीन और तीन छः चार दस, पाँच एक्स बराबर 20 माइनस 10, यानी पाँच एक्स का वैल्यू कितना गया 10, तो एक्स का वैल्यू कितना गया 2। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि ये पांच आदमी जो पांच आदमी का टीम जो है वो अगले दो दिन में इस काम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो यहाँ से टोटल टाइम जो लगेगा, ठीक है, इसलिए टोटल टाइम आपका कितना लगेगा, टोटल टाइम आपका लग जाएगा, पहले लग चुका है एक दो तीन चार, चार प्लस इधर लग गया दो, यानी कितना हो जाएगा 6 दिन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे 13, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बताने का आपका नहीं है। बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी में कितना आपका 330 प्लस हो जाएगा 710, चाल में कितना आपका दिया हुआ 72, ये आपका मीटर में किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से गुना करेंगे तब ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, 5/18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर में आपका दे दिया हुआ है कि यदि दिया किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में बोला जा रहा है ए प्लस बी बराबर 125 और ए प्लस सी बराबर 115, तो बी प्लस सी निकालना, ये आपको निकालना। यदि हम लोग यहां पे बात करें तो एक त्रिभुज यदि हम लोग यहां बात करें, देखिए यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिख रहा, अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो आपके पास दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल आपका दिया हुआ, एक ट्रायंगल का बात कर रहा है ए बी सी, सेम ट्रायंगल आपका ए बी सी बोला जा रहा है, बोला रहा है ए प्लस बी बराबर 125। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिला करके दिया हुआ कितना 125, क्या हमें एंगल यहाँ से सी निकाल सकते हैं, 180 माइनस 125 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ए 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 55 डिग्री बचेगा। इसमें क्या दिया हुआ, इस ट्रेंगल की यदि हम बात करें यहाँ पे ए प्लस सी, ए प्लस सी ये दोनों मिला करके कितना बता रहा है 115,
तो यहां से हम बी निकाल सकते हैं, तो बी निकालेंगे 180 माइनस 115, तो आपके पास बच जाएगा ए 5 बच जाएगा, साथ में एक जाएगा 6, 65 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास बी निकल गया 65 और सी निकल गया आपका 55, तो 6 5 11 110 और 10 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे, 2 sin 2θ बराबर √3। तो यहाँ पे यदि हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया आपका 2 sin 2θ, तो sin 2θ बराबर क्या करोगे, sin 2θ बराबर √3/2 हो जाएगा। अब sin 2θ बराबर √3/2, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन हो जाता है आपका 60 डिग्री का, तो 2θ बराबर 60 हो जाएगा, θ बराबर कितना आएगा 30 आएगा, तो यही होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ए एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी एसिड और पानी का विलयन है, ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 7:9, ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात जो दिया हुआ वो 7 और 9 दिया हुआ, और यहां पे दिया हुआ 5:3 है। यदि ए के एक्स लीटर को ए के वाई लीटर, सॉरी यहां ए नहीं होगा, यहां पे बी होगा, ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 9:7 हो जाता है, तो एक्स रेशियो वाई क्या वो निकालना। यहां पे बोला जा रहा आपका एक मिश्रण ए और एक मिश्रण बी है, ए और बी में पानी और एसिड बता रहा, यहां पे बोला जा रहा पानी और एसिड, यहां भी बोला जा रहा पानी और एसिड बोला जा रहा, इसका रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो दिया हुआ 7:9 दिया हुआ, यहां पे बता रहा है 5:3 बोला जा रहा, यहां से ले रहा है वो एक्स लीटर लिया और यहां से लिया वो वाई लीटर लिया, इसको मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया, नया सॉल्यूशन बनाया गया, इसमें से बता रहा है क्या, इसमें बता रहा पानी और एसिड का रेशियो जो है वो बता रहा है 7:9, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स रेशियो वाई क्या है वो हम लोग को निकालना, तो यहां से हम लोग को एक्स रेशियो वाई निकालना है। क्वेश्चन देखिए वैसे समझ जाइए कि एसिड और पानी का अनुपात इतना दिया हुआ, या पानी और एसिड, यहाँ भी पानी एसिड का अनुपात यहाँ दिया हुआ, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पानी और एसिड का अनुपात 7:9 हो जाए। सीधा आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस से बना लीजिए, यहाँ पे आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, यहाँ का टोटल सॉल्यूशन कितना 9:7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा 8, यहाँ का 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9:7 दिया हुआ, नौ अनुपात सात, यहाँ पे 7:7, ए में आपका 7:9 5:3, यहाँ भी टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ आपका 16 का, तो यहाँ पे हम लोग यदि पानी लेंगे तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी क्या लेंगे पानी, तो यहाँ से पानी कितना आ रहा है 7 लीटर आ रहा है, कितना में लीटर में 16 में, 7/16, और यहाँ से कितना पानी आ रहा है 5 5/5 कितना हो जाएगा आपका 5/5 हो जाएगा आपका 8, और यहां पे जो पानी कितना है 9 9/5 हो जाएगा आपका 16। अब आपको पता है क्या कि बड़ा में छोटा घटा करके इधर लिखा जाता है और बड़ा में छोटा घटा करके इधर, 9/16 - 7/16,
रेशियो ए एवरेज वैल्यू होता है, एक बार बड़ा हुआ था बड़े से छोटा होगा, 5/8 माइनस हो जाएगा 9/16। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बोला रहा है ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद ए व्यापार से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो ए कितने महीने बाद धन वापस लिया वो निकालना। यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी के बारे में बात कर रहा है कि ए और बी दो आदमी है, तो ए 3:5 के अनुपात में धन का निवेश किया। बोला रहा कुछ महीनों बाद ए, कुछ महीनों बाद मतलब एक्स महीने बाद ए व्यापार से हट गया और अपना पैसा वापस ले लिया, और उसने अपना धन वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में बिजनेस कितना चला, एक वर्ष आने की 12 महीना, बी का पैसा पूरे 12 महीने तक रहा। इस प्रकार से दोनों का लाभ का रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो निकालना ए ने कितने महीने बाद धन वापस लिया। अब इसको काट दीजिए, काट के जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोला रहा अपनी आय का 18% बचाता है, ना कोई पार्टिकुलर नाम तो नहीं, नाम तो कुछ होगा, मान लेते हैं एक नाम दे दो, कुछ मान लेते हैं एक नाम दे दिए। ए अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि हुई। ए एक आदमी है, इसका इनकम है तो इसका खर्च भी है और इसका बचत भी है। मान लेते हैं इसका इनकम 100 रुपया रहा होगा, तो बोला जा रहा 18% बचा रहा है, तो बचा रहा होगा कितना 18। अब तो खर्च कितना कर रहा होगा, ये 100 में से 18 घटा दो 82 रुपया। आगे बोलता है कि यदि उसकी आय 41% बढ़ जाता है, यानी कि यदि यहां से हम 41% बढ़ा देते हैं, मतलब 41 रुपये का इनकम बढ़ गया 141, और उसका बचत अभी भी कितना होता है 18 ही रहता है, तो इसका नया खर्च कितना हो जाएगा वो देखो। नया खर्च क्या होगा, 11 में 8 जाएगा आपका 3, ए बच गया आपका 13 में से 1 जाएगा 12, 133 जल्दी घटाने हैं, 11 में 8 जाएगा 3 हो जाएगा, अब आपका बचेगा 13 में 1 जाएगा तो बच जाएगा आपका 12, सॉरी यहाँ पे आपका होगा 123 होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ की तुलना में यहाँ इसका खर्च कितना बढ़ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और 12 में से 8 जाएगा 4, 41 रुपये की वृद्धि हुआ। हम लोगों को निकालना है प्रतिशत वृद्धि, इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर जो होगा वो 41 रुपया इसका खर्च बढ़ गया, कितना से 82 से, उन्हें क्या करोगे 100, 41 का टेबल से काटो कटेगा कितना 2 बार में, 2 का टेबल से कितना 50 बार में, कितना आएगा 50% की वृद्धि आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका बहुत आसानी क्वेश्चन 19 नंबर आप बना लीजिएगा, 20 भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा था क्या 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच का पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या आपको पता हॉल नंबर 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक जाता है, तो यहाँ पे यदि हम लोग पूर्ण संख्या का बात करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर जो आपका होगा वो 121 होगा।
121 और 12 का स्क्वायर 144, इसके बीच में, बीच मतलब क्या, ए इसको ऐड नहीं करना और इसको ऐड नहीं करना, मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड नंबर जो आपका होगा वो 144 में से आप क्या करो, 121 को यहाँ पे घटा दो। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 23 बचा, लेकिन इसमें 121 हटा, इसको भी हटाना है, माइनस 1 कर दो, यानी कितना आ जाएगा, टोटल 22 आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 22 होगा, या नहीं तो आप लिख लीजिए 121, 122 से 143 तक, और क्या कीजिए, इसको गिन लीजिए। चलिए, तो ये था कल का आपका क्वेश्चन, जिसका हम लोग एनालिसिस कर लिए, और रीजनिंग का टाइम नहीं है, रीजनिंग ऐसे आसान होता है, नेक्स्ट वार से हम लोग क्या करेंगे, पूरे मैथ और पूरे रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।